सृजन पाल ने अपने फेसबुक पेज के जरिए कलाम साहब के आखिरी पलों को साझा किया। उन्होंने लिखा है, 27 जुलाई को हमारा दिन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ जब हम गुवाहाटी की फ्लाइट में बैठे। डॉक्टर कलाम 1A सीट पर थे और मैं 1C पर। उन्होंने काले रंग का कलाम सूट पहना था। मैंने उनसे कहा, शानदार रंग। मैं ये नहीं जानता था कि ये आखिरी रंग है जो मैं उन पर देख रहा हूँ। मॉनसून के मौसम में 2.5 घंटे की फ्लाइट। मुझे फ्लाइट में झटके पसंद नहीं थे और उन्होंने ऐसे झटकों पर विजय पाई थी। जब भी वो मुझे प्लेन में घबराया हुआ देखते तो खिड़की का कवर नीचे गिरा देते और कहते, अब तुम्हें बाहर का डर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हमने और 2.5 घंटे कार के जरिए IIM का सफर तय किया। इस दौरान हमने चर्चा और विमर्श की। और कलाम साहब के इस आखिरी पलों में उनके साथ रहे सृजनपाल सिंह, उनके साथ इन पलों में हुए बातचीत से काफी प्रभावित भी हुए। चंद घंटे पहले बीता पल सृजनपाल सिंह की यादों में तब्दील हो चुका है। कलाम साहब के साथ गुवाहाटी से शिलांग तक के उनके सफर में सृजनपाल ने काफी कुछ सीखा। उन्होंने आगे लिखा है, इस आखिरी सफर की 3 यादें मेरे साथ हैं। पहली, डॉक्टर कलाम पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले पर चिंतित थे। दूसरा, पिछले 2 दिन से डॉक्टर कलाम बार बार संसद की कार्यवाही बाधित होने पर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में 2 सरकारें देखी, उसके बाद भी बहुत कुछ देखा। ये रुकावटें बार बार हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे कुछ ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे संसद विकास की राजनीति पर काम करे। तीसरी चर्चा में मैंने उनकी विनम्रता देखी। हम 6-7 गाड़ियों के काफिले में थे। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमारे आगे एक खुली जिप्सी में 3 जवान थे। इनमें से 2 बैठे थे और 1 बंदूक लिए खड़ा था। 1 घंटे के कार के सफर के बाद डॉक्टर कलाम ने पूछा, ये जवान खड़ा क्यों है? ऐसे तो ये थक जाएगा, ये तो सजा है। क्या तुम वायरलेस से ये संदेश दे सकते हो कि वो बैठ जाए? मैंने उनसे कहा कि उसे सुरक्षा के लिहाज से ऐसा आदेश मिला होगा। काफी कोशिश के बाद भी जब हम ये संदेश उस जवान तक नहीं पहुंचा पाए तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आखिरकार जब हम 1.5 घंटे के सफर के बाद IIM शिलांग पहुंचे तो मैं उस जवान को डॉक्टर कलाम के पास लाया। उन्होंने जवान से हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया दोस्त, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हें खाने को कुछ चाहिए? और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफी देर तक खड़े रहना पड़ा। काले कपड़ों में वो जवान डॉक्टर कलाम के इस विनम्र बर्ताव से हैरान था। उसके पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। शायद उसने सिर्फ इतना कहा, सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। शिलांग IIM में लेक्चर देने डॉक्टर कलाम स्टेज पर पहुंचे, मैं पीछे ही खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा, ऑल फिट? मैंने कहा, जी साहब। 2 सेंटेंस ही बोले होंगे कि गिर पड़े। मैंने ही उन्हें अपनी बाहों में उठाया, उन्हें हॉस्पिटल ले आए पर बचा नहीं सके। साहब हमेशा कहते थे कि मैं टीचर के रूप में ही याद किया जाना चाहता हूं और पढ़ाते पढ़ाते ही चले गए। उन्होंने आखिरी लाइन कही थी कि धरती को जीने लायक कैसे बनाया जाए। आज जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, मगर करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, उनका प्यार है। आपका आभारी सृजनपाल सिंह।